डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ क्लास फाइव चैप्टर सेवन है, एक्सरसाइज 48। तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिसिमल्स में दिया हुआ है नंबर जो है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म में मतलब सबसे कम काट के जो आएगा उसमें कन्वर्ट करना है, तो वही उसका आंसर होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, 8/10। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा, ये 2 का टेबल से कटेगा, 2 4 जा 8 हो गया, और ये 2 5 जा 10, इसके बाद कटने वाला नहीं है, 5 जो है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर यह हो गया 4/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर लेते हैं, बी नंबर में क्या दिया हुआ है 0.35। ठीक है, तो यहाँ पे 35 और यहाँ हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 1 के बाद 2 जीरो लगेगा। अब इसको काटते हैं, 5 से कटेगा तो 5 7 जा 35 हो गया, और 5 20 बार में जाएगा, 5 2 जा 10, और ये जीरो रह जाएगा, तो इसके बाद ये कटने वाला नहीं है, मतलब ये 7/20 इसका आंसर हो जाएगा, 7/20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं सी नंबर, सी नंबर में दिया हुआ है 0.208 मतलब 208, तो यहाँ पे इसको 208 लिखेंगे और नीचे में 1 देके 3 डिजिट है तो 30। अब इसको काटते हैं कितने बार में जाएगा, सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं तो 104 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 104, और ये हो जाएगा 500, इतना हो गया। अब फिर से कटेगा, ये 2 से काटते हैं इसको, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ये कट गया, और यहाँ पे 250, 2 बार में इतना होगा। उसके बाद अभी भी 2 से कटेगा, 26 से 25 में 50 होता है तो 26 जाएगा, 2 बार में 26, और इसका कितना हो जाएगा 125। उसके बाद ये कटने वाला है, ये 2 से कटेगा, ये ओनली 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, इस तरह के नंबर से कटेगा, तो ये जो है 2 से कटेगा, 13 से कटेगा, और कटने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26/125, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आगे में डी ई एफ दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, इसका मतलब है कि 30 इस पे लगेगा, 30, तो यहाँ ये किससे कटेगा, ये 25 से काटते हैं इसको हम, 25 5 जा 125, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, 25 4 जा 25 4 जा, ठीक है, तो ये 100 कट गया और ये 0 इस पे आ जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ से ये कटेगा 5 5, का टेबल में 40 आता है, 5 8 जा, ठीक है, तो ये 1 हो गया, मतलब 1/8, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है ई नंबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 102, और नीचे में हो जाएगा 2 डिजिट है, इसका मतलब 1 पे 2 डिजिट मतलब 2 0, तो 100 हो गया। अब यहाँ पे इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, और ये हो जाएगा 51, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा ये कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 51/50, और ये नीचे में छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको 1 बार में जाएगा, 1 बार में, और 50 यहाँ से निकल गया तो 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 50 नीचे में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया कितना, 325, तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 पे 2 0, और यहाँ इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 6 जा 30 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, इतने बार में,
और 5 2 10, ये 20 हो गया, फिर 5 से कटेगा तो 5 1 5, और यहाँ पे 1 बच गया तो 5 3 15, ये कट गया, और 5 4 20, ये कट गया तो आया कितना 13/4। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 4 3 12 12 यहाँ से निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे 4 मतलब 3 1/4 इसका आंसर हो जाएगा।